हे दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में ऐसा बताया है कि इंडिया में टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में से 83% यूथ है और 65% के पास तो केवल हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की ही डिग्री है। वहीं अगर आप लिंक्डइन की इस रिपोर्ट को देखोगे तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आज के समय में इंजीनियर्स के अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और एकेडमिक लर्निंग के बीच का गैप। बात साफ है, अगर आप इस हाई कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको अपने एकेडमिक लर्निंग से ज्यादा वैसे स्किल्स को सीखने में टाइम देना होगा जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है। इस चीज को सिंपलीफाई करने के लिए आज मैं आपको इंडस्ट्री में चल रहे लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ इन डिमांड स्किल्स तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जानकारी भी दूंगा जहां से आप उन सभी स्किल्स को प्रैक्टिकल लेवल पे सीख पाओगे और वहीं से डायरेक्टली जॉब भी पालोगे। सो अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हो देन इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कॉन्टेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो देखो मेनली तीन टाइप्स के टेक ट्रेंड है जिन पे की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्क कर रही है। पहला है ट्रेडिशनल वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज इंडस्ट्री 4.0 एंड थर्ड इज इंडस्ट्री 5.0। मेनली इंडस्ट्री 4.0 में आपको IoT, डेटा साइंस, AI, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, क्लाउड टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इस टाइप की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। इन शॉर्ट अगर इन तीनों टेक ट्रेंड को ध्यान में रखकर मार्केट में चल रहे इन डिमांड स्किल्स का पता लगाया जाए तो CAD, CAM, CNC प्रोग्रामिंग, CNC मशीनिंग, PLC प्रोग्रामिंग, IoT, डेटा साइंस, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, ये स्किल सामने निकल के आते हैं। वेल ऑब्वियस, अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतनी सारी स्किल्स कैसे और कहां से सीखा जाए। सो द आंसर इज CTTC भुवनेश्वर। जी हाँ दोस्तों, CTTC भुवनेश्वर एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां आपको लगभग इन सभी स्किल्स से रिलेटेड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज दैट इस इंस्टीट्यूट में आपको सारी लेटेस्ट मशीनरीज पे खुद से काम करने का मौका भी मिलेगा ताकि आप इन स्किल्स को बारीकी से सीख पाओ। देखो CTTC यानी कि सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इंस्टीट्यूट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में लोकेटेड है। ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और इसके दो मेजर पार्ट है, फर्स्ट इज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बात करें ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे आपको CAD CAM, टूल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, CNC प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग, मशीन मेंटेनेंस, CCNA, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, VLSI, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट, इस टाइप की इंडस्ट्री ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के स्टूडेंट थ्योरी क्लास खत्म करने के बाद मशीन्स एंड लैब्स पे डायरेक्ट जाके खुद का प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, जिससे कि ना केवल उनका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है बल्कि उन प्रोजेक्ट्स के बेस पे वो अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट भी पाते हैं। ये इंस्टीट्यूट पूरी कंट्री का एक लीडिंग टेक्नोलॉजी सेंटर है जो कि स्कूल ड्रॉपआउट से लेके लेटेस्ट ग्रेजुएट तक सभी के लिए टेक्निकल स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज प्रोवाइड करता है। बात करें प्लेसमेंट की तो यहाँ के कैंडिडेट्स टाटा, बजाज, L&T, महिंद्रा, इसरो, HAL, मारुति सुजुकी, हीरो एंड ऐसी ढेरों बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 17 टाइप के लॉन्ग टर्म कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, 14 टाइप के मीडियम कोर्सेज एंड 49 जितने शॉर्ट टर्म कोर्सेज का ऑप्शन मिल जाता है। इन कोर्सेज को अलग अलग कैंडिडेट्स एंड जॉब रोल्स को टारगेट करके डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10th या 12th पास हो और इंजीनियरिंग करना चाहते हो देन आपको यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे, लाइक डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग एंड डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स। साथ ही यहाँ पे आपको ITI कोर्सेज भी मिलेंगे। वहीं अगर आपने ऑलरेडी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहीं और से कम्प्लीट कर ली है और जॉब पाने के लिए इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल सीखना चाहते हो देन यहाँ पे आपको PLC, SCADA, CNC प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स ऐसे इन डिमांड स्किल्स के मीडियम एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये इंस्टीट्यूट देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो, ADA, HAL इनके लिए एरोस्पेस एंड अदर मशीनरी के हाई प्रिसाइज पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि रिसेंटली चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन में CTTC का एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, बिकॉज चंद्रयान 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यही के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बनाए गए थे। आप यहां से अपनी पढ़ाई खत्म करते ही इनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर एन इंटरव्यू प्रोसेस। मैंने रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट पे विजिट किया और लिटरली मेरा एक्सपीरियंस काफी कमाल का रहा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि हर साल यहां से पास आउट होके वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे प्लेस्ड है। सो अब आप क्यूरियस हो गए एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए। दो डिप्लोमा कोर्सेज दैट इज DTDM एंड DIM इनके लिए आपको इंटरेस्ट टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी सभी कोर्सेज में आप
फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे एडमिशन पा सकते हो, यानी कि सीट फुल होने से पहले आपको एडमिशन ले लेना है। कोर्सेज के साथ आपको हॉस्टल एंड मैथ्स फैसिलिटी का भी ऑप्शन मिलता है विद सम एडिशनल कॉस्ट। सो ये है कंप्लीट जानकारी रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कोर्सेज का क्या ड्यूरेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज मांगी गई है, इन सभी का पता आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।